हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम ये वाले टेबल लैंप के बारे में बात करेंगे जो कि एक स्विच के साथ आता है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेबल लैंप है, ESN 999 टेबल लैंप के नाम से बिकता है, 350 रुपये में। प्रीति प्रोडक्ट्स इसको सेल करती है और वो ही एक अकेली लौती है जो ये टेबल लैम्प को बेचती है और वही इसकी ऑथोराइज सेलर है। हवेवर हमने इसे 350 रुपीज़ का ख़रीदा, लेकिन बल्ब के चार्जेस हमें देने पड़े, हमें खुद से खरीदना पड़ता है, तो ये 450 का पड़ जाता है। इसके बारे में और भी सारी डिटेल्स बताऊंगा, बट पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस शेयर करने लायक है। हमें अलग बॉक्स दिखाया गया था अमेज़ॉन के ऊपर और ये वाली कुछ पैकेजिंग में आया है नॉर्मल से बॉक्स में। चलो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हल्का सा थोड़ा सा डैमेज आया था, थोड़ा बेंड आया था, बट हमने उसे जुगाड़ करके सही कर लिया। वैसे बहुत ही ज़्यादा वर्थ और वैल्यू फॉर मनी डील लगी मुझे, और मैं इसे स्टडी के लिए नहीं यूज़ करता, मैं मेरे वीडियो शूटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लगता है और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप देख सकते हो हल्की सी ऐसी थैली में आया है बस, और वो नॉर्मल से बॉक्स में आया है बस। पैकिंग खोल देता हूँ, ये पूरा का पूरा प्लास्टिक बिल्ड है दोस्तों, चीप क्वालिटी प्लास्टिक बिल्ड कहूँगा, बट बहुत ही बढ़िया वाला जुगाड़ कहूँगा, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा। क्यों, हर चीज़ डिटेल में बताऊँगा। आप देख सकते हो कैसे बेंड आया है ये, इसके अंदर है ना B22 वाला ही बल्ब लगता है। मैं आगे आप लोगों को लगा के बताऊंगा। आप देख सकते हो बेंड दिख रहा है, पूरा गोल होना चाहिए था। अगर पैकेजिंग अच्छी करते तो बेंड भी नहीं होता है। नॉर्मल से ऑन ऑफ वाले स्विच के साथ आया, पेन होल्डर के साथ आया, पूरा का पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, बट जिसमें अपन बल्ब लगाते हैं वो जो उसका होल्डर है उसको छोड़ के मतलब ये जो बेंड हुआ हुआ है वो शायद मेटल का है, और आप इसे हर दिशा में मोड़ सकते हो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसको हम सीधा कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये हो गया, वरना हमें वापस करना पड़ता। अगर अच्छी पैकेजिंग करते तो ये वाला जो छोटा सा डैमेज हुआ है वो भी नहीं होता। ये पूरा पाउडर कोटेड पेंटेड लग रहा है, आगे से आप देख सकते हो रेड पेंट है, अंदर वाइट क्रीमिश टाइप का पेंट है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, वैल्यू फॉर मनी लगा। 349 रुपीज़ में आपको फ्री डिलीवरी मिलती है, 100 रुपीज़ का बल्ब, तो 450 का आपको ये पूरा पैकेज पड़ जाता है। आपके ऊपर आप 7 वाट का बल्ब ले सकते हो, 9 वाट का ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। आप देख सकते हो इसकी स्टेबिलिटी भी कितनी बढ़िया है। अब मैं आपको इसी वायर की लेंथ बता देता हूँ। वायर इसका 3 फुट का है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर का आपको इसमें वायर मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है इनफ है टेबल के लिए। अगर टेबल से कहीं और यूज़ कर रहे हो तो एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, एक्सटेंशन भी आपको 100 रुपये के आसपास आ जाएगा। खाली वायर लाओगे तो 20-40 रुपये के अंदर वो भी सारा आपका काम हो जाएगा, विथ होल्डर वगैरह। और आप देख सकते हो कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी बढ़िया है दोस्तों, लाइट वेट है, हल्का सा है, अंदर बल्ब नहीं है, और थोड़ा ज़्यादा बल्ब का वजन भी आ जाएगा तो भी स्टेबल रहेगा। आप देख सकते हो पूरा रस्टेड है अंदर से, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो ये प्राइस पॉइंट पे आया बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपका बजट टाइट है, बजट लो है, और आपको ये विंटेज टाइप लुकिंग वाला टेबल लैम्प चाहिए तो बहुत मस्त वाली डील है। आप देख सकते हो इसको रोटेट करना भी कितना आसान है। अभी अंदर से रस्टी क्यों है मुझे नहीं पता, बट इसके ऊपर पाइप वगैरह दी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसको देख के लगता है इसकी लाइफ 1-2 साल तो आराम से होगी, अगर आप इसे गिराओगे पड़ाओगे नहीं तो ये और लंबा चलेगा ही मुझे लगता है। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर B22 बल्ब लगता है, मैं आपको लगा के बता देता हूँ। आप 7 वाट, 9 वाट या उससे हायर वाला बल्ब लगा सकते हो, बट मुझे लगता है 7 या 9 वाट आपको परफेक्ट होगा पढ़ाई के हिसाब से। हवेवर आप दुकान पे लेके जाके टेस्ट करा के ले सकते हो, और जो सबसे सस्ता और अच्छा बल्ब होगा, वारंटी होगी, वो वाला लेना। ये थोड़ा हायर वोल्टेज वाला मैंने बल्ब डाला है, सिर्फ ऑन ऑफ वाला डायरेक्ट स्विच है और कोई भी टाइप का सिस्टम नहीं है, बस प्लग एंड प्ले वाला फीचर है इसमें, ये सबसे बेस्ट बात लगी मुझे। और इसकी हाइट भी काफ़ी है पढ़ाई के हिसाब से, अगर आप लेना चाहो तो। मैं तो इसे मेरे YouTube वीडियो के हिसाब से लेता हूँ। आप देख सकते हो कितनी रोशनी मस्त वाली दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। सबसे अच्छी बात यह है ये ओल्ड पीपल भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो, क्योंकि इसका स्विच एकदम कन्वीनियंट जगह पे दिया है, कोई भी टाइप की टेक्नोलॉजी इसमें नहीं यूज़ की गई है, सिर्फ बल्ब और वायर को जोड़ दिया गया है। शॉर्ट में बताऊँ तो आप देख सकते हो ये मेरी टेबल है, इसके ऊपर मैंने इसको रखा है साइड पे इसके लिए रखा है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, वरना मैं इसे अंदर के साइड पे रखने वाला हूं जब भी मेरे यूज़ होगा, वरना मैं इसे मेरे YouTube वीडियो ही शूट करने वाला हूं। और बहुत ही ज़्यादा अभी तक अच्छा चल रहा है, मैंने इसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने इसमें शूट कर लिए और सबका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ब्राइटनेस देता है ये मेरे वीडियोज़ में, तो ये आपकी बुक्स में भी अच्छी रोशनी देगा। आप अपने हिसाब से इसे टिल्ट करके एडजस्ट कर सकते हो। सॉरी मेरे फेस के ऊपर मत जाओ, पता नहीं मेरा फेस क्यों ऐसा दिख रहा है। हाउएवर ये मैंने खुद ने
ये ट्राईपॉड लगा के शूट किया है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है खुद शूट करने के टाइम पे। और दोस्तों अगर आप इस टेबल लैम्प को ख़रीदना चाहते हो तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी कई सारे प्रीति प्रोडक्ट्स के नाम से बहुत सारे टेबल लैम्प्स आते हैं, उनका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी चेकआउट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। दोस्तों आप लोगों की कोई भी क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी होगी मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को एकदम फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मेरे चैनल पे चेकआउट कर लो, आप लोगों को और बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और आप मुझे लगता है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। चलो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो के लिए इतना ही था दोस्तों।